This is NDTV and you're watching NDTV Prime in association with Micromax, nothing like anything. नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इट्स हॉट में। आज हम आपको ले चलेंगे भिवाड़ी, उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक शहर जो रोजगार की ढेरों संभावनाएं समेटे हुए है। ये शहर आशियाना है उन सैकड़ों युवा प्रोफेशनल्स का जिनके लिए भिवाड़ी में सस्ते घर उपलब्ध हैं। आइए जायजा लेते हैं इस शहर का, जहाँ पर पिछले कुछ समय से हुए बुनियादी ढांचे के विस्तार ने शहर का होलिया बदल दिया है। नेशनल कैपिटल रीजन का उभरता हुआ शहर भिवाड़ी उम्मीदों का, संभावनाओं का शहर बन रहा है। NH8 पर गुड़गांव से राजस्थान जाते हुए 45 मिनट बाद ही भिवाड़ी आ जाता है। दिल्ली और गुड़गांव से इतनी नजदीकी नहीं, इस कस्बे को भविष्य के शहर की उपाधि दे दी है। उद्योग पर टिकी यहाँ की अर्थव्यवस्था इसके विकास में सबसे बड़ा सहारा है। भिवाड़ी भारत का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जहाँ 3,500 मध्यम से लेकर बड़े उद्योग हैं। भिवाड़ी में होंडा, जिलेट, सेंट-गोबेन, रेबैन, हैवल्स, पेप्सी, जैक्वर, बॉश एंड लॉम, ब्लू स्टार, मदरसन ग्रुप और श्री सीमेंट जैसे नामी ब्रांड्स हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल किए जाने के बाद से भिवाड़ी का दर्जा कुछ और ऊंचा हो गया है। खुशखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना की औद्योगिक तिकड़ी को एक इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप के तौर पर विकसित किया जाएगा। साथ में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी भिवाड़ी से होता हुआ जाएगा। उम्मीद है कि इससे शहर में जमकर विदेशी निवेश होगा। एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट DMIC ने प्रपोज किया है भिवाड़ी के अंदर, जिसके अंदर सारा ग्राउंड वर्क हो चुका है और उम्मीद है कि वो जल्दी ही उस पर और काम शुरू हो जाएगा। पिछले 3 सालों में होंडा में मेरे हिसाब से जो हमारे पास जो अपडेट है, तकरीबन 2,500 कर्मचारी थे और 2012-13-14 में उन्होंने 3,000 एम्प्लॉइज और अपॉइंट किए। ये 3,000 एम्प्लॉइज सभी बाहर से आए हैं और इन 3,000 लोगों ने अपना आशियाना भिवाड़ी में ही बनाया, तो 3,000 घर वहाँ एकमोडेट हुए। अगले 3 सालों में होंडा का ही प्लान है, करीब 5,000 एम्प्लॉइज वो अपॉइंट करेंगे। महिंद्रा इज कमिंग अप, महिंद्रा भी 600 एकड़ पे अपना प्लांट लेके आ रहा है, उम्मीद है तकरीबन 4,000 से 5,000 एम्प्लॉइज उनके भी होंगे। तो 5 सालों में जो अनुमान है 20,000 से 25,000 एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट होंगे। एक तो रोजगार के साधन और उस पर अच्छी कनेक्टिविटी, इन्हीं बातों से खींचकर गुड़गांव से लेकर मानेसर तक के पेशेवर नौजवान यहां चले आ रहे हैं। यहां का प्रॉपर्टी बाजार अलवर बाईपास मेगा हाईवे पर पनप रहा है, जहां किफायती घरों से लेकर मिड सेगमेंट के घर बन रहे हैं। भिवाड़ी में मकान औसतन 2600 रुपए प्रति वर्ग फुट में मिल रहे हैं। यहां 44 प्रोजेक्ट्स हैं जो 18,000 घर बना रहे हैं। भिवाड़ी में रिहाइश करने वालों की मांग भी लगातार जारी है और कई परिवार तो यहाँ रहने भी लगे हैं। निवेश पर मिलने वाला मुनाफा देखें तो 2011 से लेकर दामों में 31% का उछाल आया है। भिवाड़ी में किराए भी अच्छे हैं। वसुंधरा राजे सरकार ने भिवाड़ी की सहूलतों को बेहतर करने के मकसद से एक अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया है, जिससे सड़क, पानी और सीवर के काम तेजी से हो सकेंगे। राजस्थान सरकार का भी जो विशेष ध्यान है, जो CM मैम का जो विजन है, वो भिवाड़ी के प्रति बहुत अच्छा है। मैम भी चाहती हैं कि भिवाड़ी जिस ढंग से आपके गुड़गांवा है, नोएडा प्रोग्रेस कर रहा है, उसी तर्ज पे ये प्रोग्रेस करे और भिवाड़ी नगर सुधार न्यास UIT भी ये चाहेगी कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है भिवाड़ी के अंदर, बाबा मोहन राम जी का मंदिर है बड़ा फेमस, उसके पास एक वाटर बॉडी डेवलप कर रहे हैं और बहुत बड़ा लॉन, एक रिक्रिएशनल सेंटर डेवलप कर रहे हैं। ऐसे ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक इशू बन गया था, जब 15,000-20,000-30,000 फ्लैटों के अंदर लोग रहने लग गए, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक लैंडफिल की साइट आइडेंटिफाई कर दी और एक कंसल्टेंट अपॉइंट करके एक मैकेनिज्म इन प्लेस कर दिया जो सॉलिड वेस्ट को हैंडल करेगा। भिवाड़ी और नीमराना के बीच एक सड़क बनाने की भी योजना है, जिससे ये दोनों औद्योगिक केंद्र आपस में जुड़ जाए। राजस्थान सरकार ने एक ये प्लान किया है कि भिवाड़ी से नीमराना से भिवाड़ी, जिसमें धारोड़ा को एक तरफ छोड़ते हुए
एक रोड प्लान किया है जो 100 मीटर चौड़ा होगा। इसके लिए भी हम लोगों ने एक DPR तैयार करवाई है जो रिडकोर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके द्वारा इसकी सर्वे किया जा रहा है, इसकी सेंटर लाइन डाली जा रही है और मौके पे सर्वे का काम चालू हो गया और बहुत जल्दी ही, चूँकि इसको अर्ली बर्ड के नाम से दिया, राजस्थान सरकार की इस पर विशेष ध्यान है। रिहायश के एतबार से हाल के बरसों में भिवाड़ी का चेहरा बिल्कुल बदल गया है। अब यहाँ हर कुछ दूरी पर आपको शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस और सुपरमार्केट्स मिल जाएंगे, बेहतरीन स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ हैं। इसकी प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली एंड गुड़गांव मार्केट्स और द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इन दोनों फैक्टर्स को जब पुट टुगेदर करते हैं और जब उसके प्राइस के साथ उसको कंपेयर करते हैं, इट इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन टुडे। सस्ते मकान और रोजगार, यही भिवाड़ी की सबसे बड़ी खूबियां हैं। इसके अलावा यहां आपको सुरक्षित और शांत माहौल भी मिलेगा। ये बात परिवार वालों को खूब लुभाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।